हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको साउथ कोरियन ड्रामा डेथ गेम के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या ये ड्रामा आपको देखना चाहिए? क्या इसे देख के आपका टाइम कहीं बर्बाद तो नहीं होगा? इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा। मेरी मानिए तो आपको ये ड्रामा एक बार जरूर देखना चाहिए। डेथ गेम 2023 दिसंबर में रिलीज हुई थी। इसके टोटल एपिसोड है 8 और ये एक फैंटेसी रीइंकार्नेशन एक्शन हॉरर जॉनर का ड्रामा है। इसकी स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार आपने देखना शुरू किया तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। और आपको इस ड्रामा के कास्टिंग के बारे में क्या ही बताए, जैसे कि पूरे साउथ कोरियन टेलीविजन इंडस्ट्री को ही कास्ट कर लिया हो। इसमें आपको देखने को मिलेगा सीओ इनगुक को, पार्क सोदाम को, चोई सियोन को, संग हुन को, किम कांग हुन को, रुकिए मैं थक गई लेकिन इनकी कास्टिंग खत्म नहीं हुई, जंग सियोंग जो, ली जे युक, ली दो हिन, किम जे उक, ओ जंग से, किम ओन हे। अगर मैं इनके नाम गलत उच्चारण कर रही हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और अभी भी इनकी कास्टिंग खत्म नहीं हुई। वो है किम मी क्यूंग, गो योंग जंग, किम जी हुन, यो इन सो, चोई ओ जी। इस ड्रामा की IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। अब हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। जी, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी फर्स्ट हाफ में, और जहां से स्पॉइलर दूंगी वहां से आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सो कहानी शुरू होती है चोई ईजिया से, जिसको ग्रेजुएशन के बाद से सिर्फ और सिर्फ बैड लक फेस करने को मिला है। ग्रेजुएशन के बाद 7 साल बीत जाते हैं, फिर भी उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता। उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते उसे अपने किराए के मकान से निकाल दिया जाता है सामान समेत, वो भी बारिश के दिनों। वो सामान के साथ बारिशों में भीगने लगता है। इन सब बुरे सिचुएशनों के चलते वो अपने जीने का हौसला खो देता है और सुइसाइड करने का फैसला लेता है। उसे लगता है इस दर्द से बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। जो ईजिया के कैरेक्टर इतना रियलिस्टिक है कि आप भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। सो ईजिया सुइसाइड नोट लिख के एक ऊंची सी बिल्डिंग से कूद जाता है और तभी उसे अपने मॉम का कॉल आता है, बट काफी देर हो चुकी थी। जब ईजिया अपनी आंखें खोलता है वो देखता है उसके सामने एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो अपने आप को मौत बताती है, यानी कि डेथ। ईजिया कहता है तुम एक इंसान हो? डेथ कहती है कि नहीं, मैं बस इस रूप में तुम्हारे सामने हाजिर हुई हूँ। डेथ कहती है कि मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगी। डेथ कहती है कि मेरे ढूंढने से पहले ही तुमने मुझे ढूंढा है, जिससे तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, इसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हें 12 बार 12 अलग अलग इंसानों के शरीर में जाना होगा जो कि मरने वाले होते हैं। तुम्हें 12 बार मरना पड़ेगा। चलो इस गेम को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अगर तुम उनके मौत से बच पाए तो तुम्हें दोबारा जीने का मौका मिलेगा। ईजिया कहता है कि तो मैंने तो मरना ही चुना है ना, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने सुसाइड किया है, मुझे ये सब गेम नहीं खेलना। डेथ कहती है ये कोई चॉइस नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं ईजिया 12 अलग अलग डेथ को एक्सपीरियंस करता है। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर हाई स्कूल स्टूडेंट, डिटेक्टिव, सीरियल किलर, साइकोपैथ, इन सभी के शरीर में उसे जाना पड़ता है और डेथ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जिनको स्पॉइलर नहीं सुनना वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकता है। सो डेथ एक्सपीरियंस करते करते ईजिया को समझ आ जाता है कि उसने अपनी जान लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी माँ और जो लोग उससे प्यार करते थे उनको कितनी तकलीफ देके गया है। कहानी के एंड में ईजिया डेथ से माफी मांगने लगता है और भीख मांगने लगता है कि उसे एक और मौका दे दिया जाए। अब उसे मौका मिलता है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। और उन अलग 12 लोगों के जो कहानी है वो भी काफी दिलचस्प है। आपको ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगेगा, ये एकदम इमोशन की रोलर कोस्टर है आप कह सकते हैं। इस ड्रामा में यही मैसेज दिया गया है कि अगर आप सुइसाइड करेंगे तो ना ही जिंदगी, ना ही मौत, ना ही भगवान आपको कोई भी माफ नहीं करेगा।
अगर आप भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों या फिर फैमिली से बात कीजिए। इन सब चीजों में मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, साउथ कोरिया में सुइसाइड आए दिन होते रहते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी, आइडल्स भी सुइसाइड कर लेते हैं। इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है सुइसाइड के मामले में। हमें मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस जारी करनी चाहिए, इस बारे में और भी बातचीत होना चाहिए। और याद रखिए, सुइसाइड कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पर्सनली ये ड्रामा मुझे काफ़ी पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और अगर आपको और भी स्पॉइलर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। बाय।